हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं दोस्तों, और आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के डिमांड पे लेके आया हूं दोस्तों ये मॉनिटर। बेसिकली दोस्तों ये मल्टीपर्पज मॉनिटर रहने वाला है, डीजे लाइव कॉन्सर्ट क्लब कहीं पे भी आप इसको यूज करेंगे, हर जगह यूज में रहने वाला है। कैसे करेंगे इसकी फिटिंग, कैसे मिलेगा ये और क्या क्वालिटी है, कैबिनेट कौन सी यूज कर रहे हैं और इसकी फिटिंग यानी कनेक्शन कैसे करें, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी अच्छी होने वाली है, और वीडियो को शुरू करने से पहले भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ये कैबिनेट की क्वालिटी, और यहाँ पे जो कैबिनेट है बहुत ही हाई क्लास की और शानदार कैबिनेट यूज करी गई है। बेसिकली दोस्तों ये जो ये कैबिनेट है वो है इम्पोर्टेड कैबिनेट, इसके अंदर यूज करी गई है। और यहाँ पे जो पेंट की फिनिशिंग है सारा ये सीएनसी का काम करा गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एस्ट्रो एज, आपको ये फिटिंग के साथ जो है वो फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। ऊपर एलिंकी बोल्ट का काम करा गया है। बेसिकली दोस्तों ये एलिंकी बोल्ट किस लिए लगाए गए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ आपको अंदर देखने को मिलता है, ये पत्ती है दोस्तों। बेसिकली ये पत्ती किस काम में आती है, ये पत्ती इस काम में आती है दोस्तों, जैसे कि ये जॉइंट है तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो मजबूती होती है वो एक और स्टेप बढ़ जाती है। बेसिकली ये तो वुड है, और यहाँ पे जो लोहे की पत्ती लगाते हैं तो इसको एलिंकी से टाइट करके ये जो जॉइंट्स हैं वो और मजबूत हो जाते हैं, तो जो मजबूती है वो एक और स्टेप बढ़ जाती है। सेम ऐसे यहाँ पे भी करा गया है, और सेम ऐसे यहाँ नीचे दोनों साइड भी करा गया है। बाकी अभी हम तो इसके अंदर यूज कर रहे हैं 750, आप अपने डिमांड से इसके अंदर 450, 518 और 750 दोनों ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका यूजेस क्या है। और साइड रबर ग्रिप भी इसमें दी जाती है ताकि जो एयर पास हो वो अननोन जगह से ना निकले, वो सिर्फ यहाँ से और यहाँ से ही निकले, तो इस चीज का भी इसमें ध्यान दिया गया है। यहाँ पे भी एचएफ पे भी आप देख सकते हैं जो है वो रबड़ ग्रिप ढंग से लगा के दी गई है। साथ ही दोस्तों ये जो है वो ग्लास हुल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफी आरएनडी करके ये चीजें लगाई गई है, कितना ग्लास हुल कौन सी जगह पे लगाना है वो सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट। बाकी आप यहाँ पे जो पीछे है ये आपकी प्लेट हो जाती है, स्पीकॉन प्लेट। यहाँ की जो वायर की क्वालिटी है फुल्ली कॉपर में यूज करेंगे। यह आता है हमारा दोस्तों नेट्रो प्लेट, जो कि आप इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं। इसमें हम एचएफ एलएफ दोनों यूज कर रहे हैं, टू वे यूज कर रहे हैं, वन वे यूज नहीं कर रहे हैं, इस बात को भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। और यहाँ पे मैं आपको अगर हैंडल की क्वालिटी दिखा पाऊँ तो दोस्तों ये हैंडल देख सकते हैं बिल्कुल इम्पोर्टेड माल है, यहाँ पे कोई भी इंडिया में ये चीजें यूज नहीं करी जाती हैं। बाकायदा एलिंकी बोल्ट से इसको टाइट करा गया है, ये नहीं है कि जो जिप्सन पेज है उसका यूज करा गया है। पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं, और साथ ही दोस्तों ये जो है वो रबड़ी ग्रिप है, तो ये आप जब पकड़ेंगे तो यहाँ पे ये आपके हाथों में नहीं चुभेगा, तो बहुत ही अच्छी चीज हमें दे दी गई है। साथ में अगर मैं आपको पीछे की क्वालिटी दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ATI Pro की भी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, XTX 815। और ये स्पीकॉन आप देख सकते हैं, एक इनपुट है एक आउटपुट है। अगर आप सिंगल इसको 8 ओम पे यूज करना चाहते हैं 8 ओम पे यूज करिए, 4 ओम पे करना चाहते हैं तो 2 को आप पेयर कर दीजिए। तो ये तो बात होगी दोस्तों हमारी कैबिनेट की बात, चलते हैं मैं आपको इसका मटेरियल दिखाता हूँ क्या हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो मटेरियल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम स्पीकर जो यूज कर रहे हैं वो है दोस्तों यहाँ पे YX15X600, जो कि 600 वाट का मॉडल है, काफी फेमस मॉडल है और आप सभी ने इसको बहुत ही प्यार दिया है। तो यहाँ पे आप जो है इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज, वॉइस कॉइल, इम्पिडेंस, मैग्नेट साइज, यहाँ पे जो इसकी मैक्स पावर है वो देख सकते हैं, RMS पावर देख सकते हैं, इसकी सेंसिविटी देख सकते हैं। ATI Pro की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आता है इसकी सॉकेट, यानी ये टर्मिनल सॉकेट है। उसके जस्ट अगर ऊपर देखेंगे तो आपको ओरिजिनलिटी की पहचान देते हुए ये स्टिकर भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि ATI Pro का है, यानी ATI PRO देखना है आपको, ना कि कोई और। और यहाँ पे ये ड्यूल हाइपरवेंटिंग सिस्टम भी आपको इस मॉडल में देखने को मिल जाता है, जो कि हमने ये स्पीकर अपने टॉप में भी यूज करे थे जो 1200 वाट थे, तो उसको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे लिंक भी आ रहा होगा, तो वो भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये कुछ और डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। बाकी इसका डिजाइन काफी अच्छा है, अगर मैं स्पीकर को पलट के दिखाऊं तो यहाँ पे जो है वो आप स्पीकर को देख सकते हैं, इसका जो कोन है वो है मलेशियन कोन, इसके अंदर यूज करा गया है। साथ ही दोस्तों से उसके ऊपर कोटिंग करी गई है, बहुत ही हाई क्लास कोटिंग, और यहाँ पर डस्ट कैप को चारकोल गम से सील कर रखा है। बाकी आप इसकी जो कोन की क्वालिटी है, मटेरियल की क्वालिटी है, उसको देख सकते हैं। साथ ही अगर मैं आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो इसका ये आ जाता है स्पाइडर की क्वालिटी, तो ये आ जाता है स्पाइडर की क्वालिटी, काफी अच्छी क्वालिटी हमने इसके अंदर यूज करी है। साथ ही दोस्तों ये जो रिंग है इसके ऊपर एक और रिंग रखी गई है, और एलिंकी बोल्ट का काम करा गया है। बेसिकली दोस्तों बाई चांस अगर ग्लू लूज हो जाता है तो इसमें क्या रहता है कि एलिंकी जो है वो रिंग से संभाल लेता है। यहीं पे अगर हम अपने HF को देखेंगे तो ये भी हमारा 750 आ जाता है, जिसकी क्वालिटी को आप देख सकते हैं। ये फ्लेयर में हमने फिट कर चुके हैं, तो ये फ्लेयर हमारे जो है वो मॉनिटर में लगेगा, तो इसको भी हम देखेंगे। बाकी आप अपने डिमांड पे इसको 750 करवा सकते हैं, 110 वाट करवा सकते हैं, 518 लगवा सकते हैं, आप अपनी डिमांड से इसको
450 भी करवा सकते हैं। बाकी स्पीकर यही रहेगा, ये कंपलसरी स्पीकर है, ये स्पेशल आपके जो मिड और लो के लिए होता है उसके लिए बनाया जाता है ये स्पीकर। यहीं पे चलते हैं, अभी मैं आपको इसकी फिटिंग करके दिखाता हूँ, उसके बाद हमें क्या डिटेल देखने को मिलती है और कैसे इसकी क्या क्या चीजें हैं वो अभी हम यहाँ पे जो है वो कनेक्शन समझ लेते हैं कैसे करना है। सिंपली दोस्तों ये आपके जो आउटपुट है यानी यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो आपके नेटवर्क में इनपुट होगा, जो भी आप नेटवर्क लेड यूज कर रहे हैं ये बेसिकली कनेक्शन में आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से ये आउटपुट हो गया दोस्तों, तो ये हमारा LF1 हो गया यानी जो है वो हमारे स्पीकर में जाएगा। यहाँ पे जो है वो HF का, तो वो हमारा यहाँ ये HF के लिए आ गया। तो इसकी हम कनेक्शन देखते हैं कैसे करेंगे इसकी कनेक्शन, वो मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। कोई भी आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंपली आपको जो ये वायर है वो इसके अंदर लगा देनी है, स्पीकर में स्पीकर की लगा देनी है और HF की HF में लगा देनी है। तो उससे मैं लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं। ये अब स्पीकर डलते हुए देख पा रहे हैं, ये होगा हमारा स्पीकर। तो मैं इसे बोल्ट के साथ ऐड करता हूँ, यहाँ पे हम एलंकी का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम जिप्सन का यूज कर रहे हैं। चलिए मैं आपको इसको टाइट करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये अभी देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर टाइट हो चुका है, ये एलंकी बोर्ड के अंदर काम करा गया है और यहाँ पे सारा जितना भी माल है वो दोस्तों ये इम्पोर्टेड में रखा गया है। कोई भी यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चीप क्वालिटी का मटेरियल यहाँ आता है, कि पेज भी आपको जो है वो इम्पोर्टेड मिलता है इसके अंदर, तो क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। चलते हैं, मैं इसको फिट करके दिखाता हूँ, ग्रिल की क्वालिटी दिखाता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं। तो दोस्तों अभी वक्त आता है यहाँ पे ग्रिल का, पहले मैं आपको ग्रिल की क्वालिटी दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ATI Pro का तो आपको नाम मिल ही जाता है, बाकी जो ग्रिल है दोस्तों ये बहुत ही मोटी गेज के अंदर यूज कर गया है। ये आपको जो फोम है वो भी मिल जाती है। इस फोम का फायदा क्या है, जो कि ऑडियो में डिस्ट्रक्शन होती है, नॉइज होती है हल्की फुल्की सी, वो बिल्कुल खत्म कर देता है। फिनिशिंग इसकी देखिए, S2H आपको जो फिनिशिंग है वो मिल जाती है। बाकी मैं इसको पेच एक बार आपको लगा के दिखाऊंगा, इसको देखिए इसका जो पेच है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एलंकी में हम इसको यूज कर रहे हैं, ये नहीं है कि कोई जिप्सन है, तो इसे मैं लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद इसकी फिनिशिंग दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये कैबिनेट रेडी हो चुकी है और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग को, और H2H जो फिनिशिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ओवरऑल यहाँ पे ये क्वालिटी को आप देख सकते हैं। तो अब वक्त आता है इसकी टेस्टिंग का, तो टेस्टिंग जो है वो हम आउटडोर में करेंगे और एक्चुअल में जो आपको इसकी थ्रो है क्वालिटी है वो आउटडोर में ही सुनाएंगे। चलते हैं टेस्टिंग देख लेते हैं। कैसी लगी वीडियो, आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो में कोशिश करी आप कैसे कनेक्शन करें, कैसे स्पीकर लगता है, कैबिनेट किस टाइप की है, और आप भी अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी सजेशन ये है कि कंपनी फिटेड लीजिए, उसमें आपको थोड़ा सा सपोर्ट और आफ्टर सर्विस भी मिल जाती है। बाकी जो क्वालिटी होती है वो लाइक कंपनी फिटेड वाली क्वालिटी होती है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है आप सभी को। बात करते हैं परचेजिंग का, तो दोस्तों आफ्टर लॉकडाउन में ये नहीं कह रहा हूँ भी आप परचेज करिए, फिर ये चीज़ जो है वो भी परचेज करने के लायक है। जैसे स्थिति सारी सही होती है तब आपको मैं सजेशन दूंगा ये सारी चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग डिटेल कहाँ से अवेलेबल होगा, तो दोस्तों नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, अपना भी दे रखा है मैंने, कंपनी का भी दे रखा है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ध्यान रखना सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कंपनी से कॉल पर बात कर सकते हैं, प्राइसिंग डिटेल जान सकते हैं। साथ में दोस्तों अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात आपके लिए और मेरे लिए और पूरे देशवासियों के लिए। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अभी पेटीएम पे एक फंड चल रहा है जो कि PM केयर्स फंड्स है, तो आप अगर ऊपर देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पे मैं ये आपसे सजेशन दूंगा क्योंकि मैंने भी करा है, आपसे मैं कोशिश ये करूँगा कि आप इसके अंदर 10, 100, 50, 20 जो हो आपके हिसाब से, आप जितना मतलब आप जितना अलाउ करते हैं अपने पॉकेट से, तो कोशिश करिए कि PM केयर्स फंड्स में दीजिए। इसके अलावा अगर आपको मैं एक चीज़ और सजेशन दूंगा, रिक्वेस्ट
भी है मेरी तरफ से आप सभी के लिए कि जो राहगीरी हैं और जो गरीब हैं, जिनको लग रहा है कि आप वो खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर खाने की प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ ऐसे जो स्थिति में हो, तो उनके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि प्लीज़ उनके लिए थोड़ा सा हेल्प करिए। और इससे हमारी देश का ही सेवा है एक तरीके से, ये एक तरीके से देशभक्ति है। तो आप सभी से सजेशन है। बाकी मैं अपने जितने भी ब्रांड्स हैं यहाँ पे, जितने भी टोटली जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो छोटी ब्रांड हो बड़ी ब्रांड हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप भी आके आगे इसके लिए यानी हमारे देश के लिए कुछ करें। तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये पीएम केयर्स फंड्स में और कोरोना से लड़ने के लिए, या फिर ऐसी कोई हेल्थ इश्यूज होती हैं और आगे इंडिया में, या फिर इससे रिलेटेड जो हेल्थ से केयर के रिलेटेड है, उनमें ये हेल्प करेगा। तो ब्रांड से भी रिक्वेस्ट है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, राहगीर चलते हुए आदमी को खाना ज़रूर दीजिए। अगर आपकी इतनी क्षमता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ करिए। बाकी दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।